नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो थोड़ा आज कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और कुछ ज़्यादा लिखना है ना, बहुत ज़्यादा चीज़, इसलिए थोड़ा ध्यान से, है ना। और कल ग्रेविटेशनल फील्ड का हम लोग पढ़े थे न्यूमेरिकल, और उसके पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन वीडियोस को पहले देख लो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि आज के टॉपिक में उन सारे चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, एनर्जी थ्योरम, है ना। हम जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है ना। वर्क क्या होता है, हम लोग ये पढ़े थे कि वर्क जो होता है ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। था ध्यान से कॉपी पे लिखना है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क कोई फोर्स करता है ना, उसके कारण क्या हो सकता है कि जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा के एफ माइनस में के आई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मतलब कि एक सिस्टम है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में है, उस पर किसी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, इंटरनल फोर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया जिसके जिसके कारण उसके पास कुछ अलग काइनेटिक एनर्जी बचा, है ना। हम इसी को तो बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आ रही बात समझ में, ये इतना हम लोग जानते हैं। थोड़ा हम यहाँ से आना चाहते हैं, थोड़ा देखना ध्यान से। वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखे हुए यहाँ पर के एफ माइनस में के आई, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक जो न्यूटोनियन फिजिक्स हम लोग जब पढ़ रहे हैं, तो हमें एक चीज़ पता रहना चाहिए कि हर समय हमारा एनर्जी एक सिस्टम का हर समय कंजर्व रहता है, यानी जितना मैकेनिकल एनर्जी शुरुआत में उतना ही बाद में रहता है ना। तो हम वो लिख सकते हैं, फ्रॉम, लिखी तो दिए, कितने बार लिखेंगे, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या सीखते हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी जितना इनिशियल होता है और पोटेंशियल एनर्जी जितना इनिशियल होता है, उतना ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का सम होता है ना। जितना शुरुआत में ये है उतना ही बाद में भी ये हो जाएगा, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में और पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में, उतना ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये सब पढ़े हुए वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह में हम लोग पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा हम इसके इस चीज़ को, ये जो काइनेटिक एनर्जी, इसको साथ में रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू आई माइनस में यू एफ इज इक्वल टू के एफ माइनस में के आई हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन निगेटिव है क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इसको हम लिखेंगे निगेटिव इज इक्वल टू, इसको तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिख देंगे। अरे बस मुझे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में होता है वर्क डन, दिख रहा है, चेंज इन काइनेटिक किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, वर्क बराबर, देखना ध्यान से, ये इसका मतलब वर्क किसके बराबर नहीं हुआ, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना आसान है, क्लियर हुआ, वर्क क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, लेकिन निगेटिव वर्क किसके बराबर हुआ, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ। ओके ओके, थोड़ा हम यहाँ से चीज़ों को, यहाँ तक हो गया कॉपी, थोड़ा कर लो कॉपी, मैं इरेज कर दूंगा थोड़ा, है ना, यहाँ तक समझ में आ रहे बात, और हम लोग इतना पढ़े हुए हैं, कॉपी कर लो, पॉज करके आगे बढ़े। ओके, आज बोले बहुत सब कुछ चीज लिखाएंगे, इसलिए ध्यान से लिखते जाना है, ठीक है, और तब समझ में आएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, क्योंकि जब तक थ्योरी अच्छा नहीं होगा न्यूमेरिकल अच्छे कभी नहीं बनेंगे, है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क एक सिस्टम पर लगने वाला, एक सिस्टम है हमारे पास, है ना, उस सिस्टम पर, ये जो सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम पर लगने वाला जितना भी फोर्स है,
है ना, F1 है, F2 है, F3 है, इस चक्कर में ये सिस्टम हमारा थोड़ा कुछ dr डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ गया, तो इस पे कितना वर्क हुआ है ना, इधर ही गया, अपने मान लिया किधर भी गया, क्या मतलब। तो इसके कारण वर्क के बारे में क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं ना इसको, तो हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर, क्लियर है कि नहीं यहां तक। तो इंटरनल सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, नेगेटिव ऑफ एफ डॉट टी आर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर में। अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो एफ का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, क्या है ये बोल रहा है निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन इज इक्वल टू फोर्स। क्या बोल रहा है यहां पर, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी WRT विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। और अगर हम इसी को वेक्टर के रूप में लिखते हैं, इसी को वेक्टर के रूप में लिखते हैं, तो मैंने इसमें डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस में डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस में डेल यू बाय डेल जेड के कैप लिखते थे, है ना इस चीज को। और इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डंग 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 कीपिंग वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट, है ना। हम इस फंक्शन को, अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एक फंक्शन दिया हुआ एक्स वाई और जेड के रूप में, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लेकिन वाई और जेड को कॉन्स्टेंट रख करके, है ना। डेल यू बाय डेल वाई के साथ भी यही कहानी होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन इसमें वाई के रिस्पेक्ट में बात करेंगे क्योंकि वाई है यहाँ पर, कहाँ है वाई, यहाँ है ना, कीपिंग एक्स एंड जेड कॉन्स्टेंट। और सिमिलरली कहाँ गया, यहाँ पर कॉपी कर लेना बाबा, डेल यू बाई डेल जेड यहाँ से पार्शियल, अच्छा ठीक है लिख देते, कॉपी कर लो कॉपी कर लो, छी 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 ऐसे कैसे होता है, गलत बात है सर, है ना, लिख देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड कीपिंग, दिख रहा है ऊपर कि नीचे लिख दे, यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड कीपिंग एक्स एंड वाई कॉन्स्टेंट, ठीक है, आसान हो गया तक, चलो ठीक है, इतना कॉपी करो फिर हम इस पे सवाल करते हैं तभी समझ में आएगा इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है, क्यों हम बता रहे हैं थोड़ा, है ना। अभी एक सवाल है कि मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, है ना, और ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है भी वेलोसिटी से, और इसके पास जो घूम रहा है, इस पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक फंक्शन के रूप में लिखा हुआ u इज इक्वल टू के आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। फिर सुनना, ये जो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसके पास भी वेलोसिटी है, और हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय रेडियस आर, और इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखा हुआ है के आर स्क्वायर बाय टू। किसी के पास एनर्जी होगा तभी तो घूमेगा, बात तो सही है, लेकिन हमको पूछा है इसने फाइंड भी निकालो जो वेलोसिटी से घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम एल निकालो, ये दोनों चीज निकालो, कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए फोर्स, फोर्स के लिए क्या चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट करके हम
आर के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। अभी तो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एफ का वैल्यू डी यू बाई डी आर, निगेटिव में ये तो था, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा माइनस में डी बाई डी आर ऑफ के आर स्क्वायर बाई टू। अरे बस समझो ना, तो क्या हो जाएगा माइनस में के बाय टू इंटू टू आर, दैट्स योर के आर नेगेटिव में। और ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, क्योंकि अगर घूमना है तो के आर जो है, अगर आर रेडियस पे बात कर रहे हैं तो के आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास के आर स्क्वायर बाय एम इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी इक्वल टू टिक 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 टिक, समझ आ रहा है बात, है ना, आर बाहर आ गया रूट ओवर के बाय एम, है ना, इतना वेलोसिटी आ चुका है हमारे पास, दैट्स योर आंसर। अगर हमको चाहिए इसका एंगुलर मोमेंटम एल, एल का वैल्यू फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे एम वी आर हो जाएगा ना, इसका एल बराबर क्या हो जाएगा एम वी आर, मास पता है उसका एम दिया हुआ, वेलोसिटी अभी तुरंत हम लोग ने सीखा, ये ना था वेलोसिटी, क्या लिख देंगे के आर स्क्वायर बाय एम, है ना, का रूट इंटू एक और आर। अरे बस समझो, एम अंदर भेज देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर बाहर निकाल लेते हैं, तो आर का स्क्वायर बाहर जाएगा रूट ओवर के एम स्क्वायर बाय एम हो जाएगा, एम से एम कट गया, आर स्क्वायर रूट ओवर एम के, दैट्स योर आंसर। समझ में आ गया, है ना, ये एकदम बेसिक सा सवाल था, है ना, बहुत इजी टाइप का। अभी हम लोग थोड़े अच्छे लेवल का सवाल करते हैं, एकदम सिंपल था। अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसलिए उसके पास क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी तो घूमेगा, है ना। बोर मॉडल से भी हम लोग सीखे हैं ये सब चीज़, और इवन ये सवाल जेई में पूछा हुआ है 2017 का, ठीक है, 18 का ऐसे कुछ, जेई एडवांस का है, ठीक है। बनान अभी तो बहुत सारा बाकी है, अभी हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पर कि हमें निकालना है इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, मान लेते हैं कि एक मास है m1, दूसरा मास है m2, ध्यान से सुनना है पूरी बात, तब जाकर के अच्छे लेवल के सवाल बनेंगे, नहीं तब तो फिर फार्मूला के बीच में तो भाई पिसा जाओगे रे बाबा, ठीक है, ध्यान समझना बहुत आसानी से। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है r, है ना, कैपिटल r ही मान लेते हैं, बोल रहा है कि इन दोनों, क्योंकि ये मास है और ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये मास छोड़ देगा क्या, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगा रहा है, फिर भी वो अपने अपने स्टीम को, है ना, सेल्फ स्टीम बना के रखा है, इसके पास कुछ तो एनर्जी है, हमें निकालना है इसके पास एनर्जी कितना है। एक छोटा सा बात याद रखना है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वही इंटरेक्शन एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमको यहाँ पर निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे अच्छी बात और बुरी बात यही है कि वो एक रेफरेंस बेस्ड एनर्जी होता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस बेस्ड एनर्जी, ठीक है। तो हमने क्या माना यहाँ पर, अभी जो हम सारा फॉर्मूला निकालेंगे उसमें हमारा एजम्पशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो, हम अभी जो निकालेंगे जितने सारे फॉर्मूले निकालेंगे उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो मान लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कोई दूसरा फॉर्मूला होता नहीं है, तो हमें क्या, हम क्यों अभी पीछे का चीज़ों को इंट्रोड्यूस किए हैं वो समझ में आएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना पड़ेगा किसी एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, है ना, तो इसलिए हमने क्या माना, इसको इन्फिनिटी पर जीरो मान लिया। पहला काम क्या किया, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो है और हमें एक फॉर्मूला पता है, ध्यान समझना है, वर्क बराबर नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल लिख सकते क्या, यू एफ माइनस में यू आई, ऐसे। अगर हमको, हम ऐसा कुछ दिमाग लगाएं कि इस मास को उठा करके हमें इन्फिनिटी पर पहुंचा दे, कहीं यहाँ पर, यहाँ तक दिख रहा है इन्फिनिटी, इसके आगे बोर्ड के या फ्रेम के बाहर कर दें, है ना, तो इन्फिनिटी हो गया, है ना, ठीक है, बाहर कर दें, और वहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के रखा है, ध्यान सुनना है,
अब इसको यहाँ से यहाँ भेज दिए, भेजने के लिए ऐसे चल जाएगा, फोर्स ना लगेगा, समझ में आ रही बात ना। इसको उठा करके अगर हम लेके जाएंगे फोर्स तो लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, तो वर्क भी होगा। अगर हम वर्क कैलकुलेट कर लें, ध्यान सुनना, फाइनली मैंने पहुंचाया इन्फिनिटी पर, अगर ये हमारा इन्फिनिटी पर है तो जीरो हो गया ना, तो इनिशियल यही तो था, क्या ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? अगर मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं इसको जीरो बना देता हूँ, तो क्या मैं ये कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा? ऐसा समझ में, यही चीज करना है हमें, हमें इस मास को उठा करके इन्फिनिटी भेज देना है, इन्फिनिटी पर जीरो है पोटेंशियल एनर्जी। अब लेके जो जाएंगे उसका फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वर्क आ जाएगा। ये तो हमने ऑलरेडी जीरो मान के रखा है, तो हमें इनिशियल यानी कि यहाँ पर इस कंडीशन पे जब ये मास है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हमें ये निकल जाएगा। आ रहा है बस समझ में? चलो ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ तक थोड़ा हम ये समझ में आ गया, थोड़ा कॉपी कर लो इन सब चीज़ों को, हो गया ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस मास को उठा करके हम जब लेके जा रहे थे इन्फिनिटी पर, तो जब ये किसी एक्स डिस्टेंस पर पहुंचा यहां पर, तब कुछ फोर्स लग रहा होगा, किधर की तरफ लग रहा होगा फोर्स, इधर की तरफ, क्या इसको तो ये मास क्या बोलेगा, कहां जा रहे हो, हमारे पास आ, तुम उधर नहीं जा सकते ऐसे फिर भी फोर्स, कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे काम किया होगा जिसने इसको इधर की तरफ भेज दिया, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ हो गया, तो वर्क कितना आएगा? तो वर्क बराबर क्या लिखेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एफ डॉट डीएक्स वेक्टर, ऐसे लिखते हैं ना, वर्क का वैल्यू एफ डॉट डीएक्स लिख देंगे, फोर्स का वैल्यू यहां पर कितना फोर्स लग रहा होगा, जब यह मास यहां नहीं है, अब यह मास कहां है, अब M2 मास यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है, तब फिर इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो लिखेंगे G, पहला मास M1, दूसरा मास M2, बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, लेकिन वर्क होने के लिए जो फोर्स है हमारा इधर है, डिस्प्लेसमेंट हम उधर करवा रहे हैं, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव ऑफ वर्क डन आ जाएगा। अरे बस समझो ना, यहाँ पर वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और हमको इसी का वर्क निकालना है, तो ये छोटा सा वर्क निकालेंगे, तो नेट वर्क डन निकालने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो नेट वर्क डन हो गया हमारे पास माइनस में जी एम वन एम टू बाहर निकाल लेंगे, एक्स का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं माइनस में टू प्लस में वन बाय माइनस टू प्लस वन, होप करते इतना इंटीग्रेशन आता होगा आप लोग को, है ना। अब कहाँ से कहाँ तक लेके गए, x का वैल्यू r से लेकर के इन्फिनिटी तक, r से इन्फिनिटी तक, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस में सारा स्टेप हम एक ही बार में कर रहे हैं, कोई दिक्कत, बोर्ड छोटा है भाई, है ना। x पे पावर माइनस वन बाय माइनस वन हो जाएगा यहाँ से, r से इन्फिनिटी तक अगर हम करेंगे, तो ये माइनस से ये माइनस तो खत्म हो गया, दिक्कत हो रहा है, माइनस यहाँ कर देते हैं, इसको माइनस यहाँ कर देते हैं, इस माइनस से इस माइनस को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना यू एफ माइनस में यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस वन यहाँ साथ में रख रहे हैं जी एम वन एम टू बाय, पहले पुट करेंगे वन बाय इन्फिनिटी माइनस वन बाय आर, है ना, वन बाय इन्फिनिटी गोज जीरो, क्योंकि एक को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे लगभग लगभग जीरो ही आएगा, है ना। यू एफ फाइनली कहाँ था, इन्फिनिटी पर था तो जीरो हो गया, शुरुआत में कहाँ था, आर पोजीशन पे था, तो यू एट आर पोजीशन क्या हो जाएगा, माइनस में जी एम वन एम टू बाई आर, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू एट आर का फॉर्मूला हो गया माइनस जी, कितना माइनस है सर, ख़त्म कीजिए सबको, तो पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ दिस मास एट दिस प्लेस इज गिवन बाय
माइनस माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। लेकिन ये कब है, याद रखना है जब इन्फिनिटी पर मैंने जीरो मान के रखा है। अभी हम जीरो नहीं मानते, कुछ और मान लेते, भी जीरो मान लेते, 500 जूल मान लेते, तब फिर ये आता। हाँ ये तो आता, ये चीज जीरो नहीं लिखते तो मुझे इसको भेजना पड़ता। बात समझ में आ रहा है ना, अभी लेते हैं, ये समझ में आ रहा ना ये पूरा कहानी, ठीक है। अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट तो जूल हो जाएगा ना, इसको इसको ये सब बताने की हमको जरूरत नहीं होना चाहिए। इसका यूनिट हो जाएगा जूल, डायमेंशन वगैरह एम एल स्क्वायर टी माइनस टू वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट कर लेना है ना। तो ठीक है पहले कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं। सवाल है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो वहाँ पर हर समय सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ही बारे में बात होगी, इंट्रैक्शन एनर्जी के निकालने की बात होगी। कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा एक अकेले मास का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, किससे इंट्रैक्ट कर रहा है ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए मुझे यही चीज़ निकालना पूछा ही जाएगा, यही होता ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, लेकिन कंडीशन याद रखना है कि जब ऐसा सवाल रहे तो एक बाय डिफॉल्ट एजम्पशन जो हमने लिया है इन्फिनिटी पर जीरो है, वो इस सवाल के साथ में भी होल्ड करेगा। अगर नहीं करेगा तभी हम सवाल देंगे, समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है उस वाले सवाल में। अभी तो यहाँ पर पोटेंशियल इन्फिनिटी पर है, तो मैं जो अभी फॉर्मूला निकाला हूँ यू बराबर क्या निकाला माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, हम ये यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस जी एम वन एम टू बाय डिस्टेंस 10, तो क्या हो गया माइनस में 20 जी, दैट्स योर आंसर, है ना। उसी तरह से इसका कैसे निकालेंगे, अगर हमको इसका निकालना है सबसे पहले ये मास किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक एक मास देखते हैं। ये मास किससे इंटरेक्ट किया, ये मास इससे इंटरेक्ट कर सकता है तो इन दोनों का एक सिस्टम बन जाएगा, ये मास इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है तो इन दोनों का एक सिस्टम बनेगा, ये मास इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है और इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है तो ये दोनों का सिस्टम बना, शक्तिमान नहीं बना, ओके नहीं बना, चलो ठीक है ये दोनों का इंटरेक्ट, फिर इसका भी इससे इंटरेक्शन हो रहा है, चलो इन दोनों का तुमने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो जितने तरह से इंटरेक्शन हो सकता है ना हम लोग उतने तरीके से इंटरेक्शन करवा करके सबका पोटेंशियल जोड़ देंगे पकड़ के, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी हम जोड़ ही सकते हैं, है ना। तो सीधा जोड़ देना इधर के, कुछ नहीं छोड़ना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस में जी एम वन एम टू यानी कि एम इंटू टू एम बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, फिर दूसरा माइनस में जी टू एम इंटू फाइव एम बाय डिस्टेंस ए, फिर माइनस में ये दोनों का इंटरेक्शन के बाद कर दें यहाँ पर फाइव एम बाय ए, तो माइनस में जी एम स्क्वायर बाय ए तो कॉमन आ गया, जी एम स्क्वायर बाय ए कॉमन आ जाएगा सब में दिख रहा है, और यहाँ पर हो गया टू माइनस में टेन सॉरी प्लस में टेन प्लस में फाइव, तो हो गया यहाँ से 17, तो माइनस में 17 जी एम स्क्वायर बाय ए, दैट्स योर आंसर। आ रही बात समझ में ना, तो यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर अभी एक सवाल करते हैं ना। इस वाले में हमारे पास चार मास दिए हुए हैं, है ना, स्क्वायर के कॉर्नर पर दिया हुआ है, क्या बात है ना, ऐसे कुछ दिया हुआ है, इसका इंट्रैक्शन देखते हैं। इस वाले मास का इंट्रैक्शन इससे हो रहा है क्या, इस वाले मास का इंट्रैक्शन इससे भी हो रहा है, और इस वाले मास का इंट्रैक्शन इससे भी हो रहा है, इस वाले मास का इससे इंट्रैक्शन तो एक तो लगा ही दिए, इस वाले मास का इससे इंट्रैक्शन हो रहा है और इस वाले मास का इससे इंट्रैक्शन हो रहा है, फिर इसका बात करते हैं, इस वाले मास का इससे हो गया, इससे हो गया, इस वाले मास इससे बचा हुआ था ये भी हो गया, क्या छी छी, लेकिन अच्छा डिजाइन बना है ना, नहीं बना है, रंगोली बना सकते हैं, और कोई बचा होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं बचा है, सारे हो गए, है ना, हर किसी का तो इससे इससे इंट्रैक्शन हो ही गया। तो चलो ठीक है, तो कैसे कैसे करना है, पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा हम लिखते हैं पहले जी एम वन एम टू बाई ए, दूसरे का ये दोनों का ए, हर किसी में एम का स्क्वायर बाय ए आएगा तो हम उसको निकाल ही लेते हैं, माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए आना ही है सब में, तो हमने उसको निकाल लिए, फिर नहीं समझ आ रहा, जी एम वन इंटू एम इंटू फोर एम आ जाएगा ना, लिख दें क्या, आवाज़ नहीं आ रहा है
लिख ही देते हैं, माइनस में जी एम इंटू फोर एम बाई ए, माइनस में जी फोर एम इंटू थ्री एम बाई ए, माइनस में जी थ्री एम इंटू टू एम बाई ए, दिखा यहाँ तक, फिर माइनस में जी एम इंटू टू एम बाई ए, चार हो गया ना। अब इन दोनों का भी बात करना पड़ेगा, माइनस में जी सॉरी 4m इंटू टू एम बाई, इन दोनों के डिस्टेंस a रूट टू हो जाएगा, माइनस में g m इंटू थ्री एम बाई टू रूट टू हो जाएगा। और हम इन सब को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा जी एम का स्क्वायर बाई ए तो कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 4 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन सॉरी 4 टू जा 8 अपॉन रूट टू प्लस थ्री अपॉन है ए रूट टू है, गलत शर्त लिखते हैं, चलो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास जी एम स्क्वायर बाई ए माइनस में 24 प्लस में 11 बाय रूट टू, दैट्स योर आंसर, है ना। बाकी और आगे बाय वन गेट वन फ्री कर सकते हो, है ना, समझ में आ रहा बात। चलो ठीक है, इसके आगे सवाल करते हैं। ये सवाल है, दो पार्टिकल है हमारे पास m और 2m, और दोनों को इन्फिनिटी से यानी कि एक को फ्रेम के इस पार से और एक को फ्रेम के इस पार से छोड़ दिया गया, तो दोनों तो क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट होने के बाद जब दोनों आया 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 और दोनों मास है ना, पहले इन्फिनिटी पर था, एक मास अभी इधर है एक मास यहाँ है ना, एक मास यहाँ पर m है और यहाँ पर 2m है, और दोनों के सेपरेशन कितना है, इन्फिनिटी है अभी शुरुआत में। बाद में क्या हो गया, दोनों मास m और 2m मास किसी u स्पीड से चलते हुए और ये v स्पीड चलते हुए d डिस्टेंस पर पहुंच चुका है, तो दोनों का वेलोसिटीज हमको पता करना है। हमने दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं लिया है क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हैवियर साइड में होगा तो इस वाले मास को कम ही डिस्टेंस कवर करना है, और इस वाले मास को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के कारण, नेट जो फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा इंटरनल फोर्स है, ये तो कुछ हमने पहले ही दिन बात किया था, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करने देगा। तो नज़दीक में पहुंचने के लिए किसी को कितना स्पीड, और ज़्यादा इसको तो ज़्यादा स्पीड से आना पड़ेगा इधर, है ना। तो ये समझ में आ रहा है, यूर भी अलग अलग इसीलिए होगा। अब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर एक तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो लग ही जाएगा, सेकेंड नंबर में क्या फोर्स कांस्टेंट है, जब इन्फिनिटी पर है और हमें पता है कि फोर्स हमारा कांस्टेंट हो नहीं सकता, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है वन बाय आर स्क्वायर पे, है ना, यानी कि आर घटेगा तो फोर्स हमारा बढ़ जाएगा, स्क्वायरली बढ़ेगा, यानी कि फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, हेंस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर जो डायनामिक्स का जो इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सब नहीं लगा सकते, तो हम ये वेलोसिटीज डायरेक्टली वी बराबर यू प्लस ए टी वगैरह जो पढ़े थे हम उनके हेल्प से नहीं पता कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हवन नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, है ना। एक काम कर दें, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा ही सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ पर कि इंटरनल एनर्जी के बारे में बात हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो हमने एक चीज़ पढ़ा है मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, यानी कि जितना शुरुआत में मोमेंटम था उतना ही बाद में भी है, तो हम क्या लगा देंगे, जितनी इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। अब शुरुआत में तो दोनों रेस्ट से रिलीज किया गया है, तो हम कह देंगे दोनों का मोमेंटम जीरो, बाद में कितना एम यू, दूसरा इधर तो टू एम इंटू बी, एम से एम कट गया तो यू का वैल्यू हो गया टू बी, एक रिलेशन मिल गया। सेकेंड रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बाद वाले का बात था, क्या बोलेंगे सेकेंड वाले में, काइनेटिक एनर्जी जितना शुरुआत में, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जितना है ना, बाद में काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ चला गया यूएफ। अब दोनों मैंने रेस्ट से रिलीज किया था, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शन एनर्जी
दोनों जब इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, इन्फिनिटी पर है, हमने ऑलरेडी बोल के रखा है बॉर्डर साइन इन्फिनिटी पर क्या है, जीरो है। फाइनली एम यू से जा रहा है, टू एम बी से जा रहा है, तो कैरेक्टर क्या होता है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा इसका, दूसरे वाले को जो हाफ ऑफ टू एम इंटू बी का होल स्क्वायर। अब प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन पे तो है कितना होता है, माइनस जी पहला मास दूसरा मास बाय होल डिस्टेंस डी। इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाय डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर प्लस में यू के जगह पे टू भी हम पुट कर सकते थे, तो यहां से जाएगा हमारे पास फोर भी का स्क्वायर और टू एम इंटू भी का स्क्वायर बाय टू। अरे बस समझना, तो फोर ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो टू वन थ्री हो गया, यानी कि थ्री एम भी स्क्वायर, एम से एम कट गया तो भी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, वेलोसिटी का स्क्वायर का वैल्यू जो है वो भी का वैल्यू आ जाएगा टू जी एम बाय थ्री डी का रूट, है ना, क्योंकि थ्री यहाँ आ जाएगा तो टू जी एम बाय थ्री डी हो जाएगा, स्क्वायर था इधर रूट आ जाएगा। और यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यू कितना था, टू भी था, जिसके जगह पे टू रूट ओवर टू जी एम बाय थ्री डी। कितना आसान क्वेश्चन था, दोनों के वेलोसिटीज हमने कैलकुलेट कर लिया, और हम पहले ही बताए थे कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, देखो इससे ज़्यादा स्पीड, क्योंकि इसको, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके तरफ होगा ना, टू एम जो भारी मास है इधर की तरफ होगा, तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसको कम डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। लेकिन अगर दोनों का मास सेम हो जाता तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा बोलते यू और बी बराबर है, तो हम सिर्फ यू ही लेते और हम इससे ही निकाल लेते सवाल। अरे वो समझे ना, अब इसी में एक और सवाल हो सकता है, मान लो कि बोलता हम 20 मीटर से छोड़े हैं, 10 मीटर पर स्पीड बताओ, तो हमें भी 20 मीटर के लिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ता, लिखते माइनस में जी एम टू एम बाय 20, एक तो यहाँ पर आ जाता, बाकी सारा चीज़ सेम, यहाँ पर 10 लिख देते, सॉल्व करते, अगेन हमें यू और भी मिल जाता है ना, या डिफरेंट तरह के सवाल हो सकते हैं। चलो ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ रहा है बात पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कॉपी कर लो फिर बात करते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल ध्यान सुनना, इसी के लिए हम उतना सारा चीज़ लफड़ा कर रहे थे। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 10 केजी, है ना, कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कहीं यहाँ पर 3-4 भी होगा कोऑर्डिनेट में, है ना, ये 3-4 मीटर्स में है, और यहाँ पर मैंने 10 केजी का एक मास रखा हुआ है। इफ 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एक्टिंग, है ना, अप्लाइड अलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इधर की तरफ मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, यहां पर इसका पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है, और ओरिजिन पर इसने पोटेंशियल एनर्जी दे के रखा है यहां पर 100 जूल है, ठीक है, यह समझ में आ रहा बात, तो कहां पर पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पता है हमको, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है इसका, हम एक काम करते हैं, इस मास को उठा करके हम यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, अब कैसे लेके जाएंगे, यही एक सवाल है, ये कैसे लेके जाएंगे, हम ऐसे ऐसे लेके जाएंगे। अरे बस सुन, तो ये कितना एक्स में चला, 3 मीटर इधर चला और 4 मीटर इधर चला, वर्क हम निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने का हम वर्क निकाल सकते हैं ना, तो क्योंकि ये 10 न्यूटन का फोर्स सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा 3 मीटर आगे इधर की तरफ डिस्प्लेस करने के लिए, नॉट फॉर फोर, इधर की तरफ ये 10 न्यूटन नहीं लेके जाएगा, कोई दूसरा लेके जाएगा, हमको से कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स है, उसके कारण तो यहाँ वर्क होगा नहीं, तो ये बॉडी इधर की तरफ 10 मीटर गया है, तो हम क्या लिखेंगे वर्क के बारे में, एफ डॉट डी आर होता है ना, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स है हमारे पास 10 न्यूटन का और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 3 मीटर का, तो 30 जूल का वर्क हुआ है उधर लेके जाने में। अब हमें पता है वर्क का होता है फॉर्मूला नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, 30 जूल हो जाएगा और नेगेटिव ऑफ यू एफ प्लस में यू आई इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, हमको यू एफ ही निकालना है, यू आई दिया हुआ है ना, इसको इधर भेज देते हैं, तो यू आई का मतलब यहाँ पर ओरिजिन का हमको दिया हुआ है 100 जूल, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, माइनस में 30 इज गेटिंग एज यू एफ 70 जूल इज योर आंसर। समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे थे, ये हो सकता है ये सवाल हम ऐसे इन्फिनिटी को रेफरेंस में मान के रखते,
तो हमें कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इन्फिनिटी के रेफरेंस में हम पहले ही बोल दिए थे एक मास का कभी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्टेस्ट आएगा नहीं। लेकिन सवाल वाले ने पूछा कि भाई यहाँ पर मैंने 100 जूल दे के रखा है, यानी जरूर बहुत सारे मास यहाँ पर हैं, उसके कारण कुछ इंट्रैक्शन एनर्जी खुद का है यहाँ पर 100 जूल का, तो बताओ इसका क्या एनर्जी है। तो हमने क्या किया, इस मास को उठा कर यहाँ भेज दिया कि ये नहीं है ऐसा, यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जब ये मास है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना। तो हम पोटेंशियल से सीधा नहीं कभी बनाते, हम सीधा बोलते कि उसको भाई एक काम करो यहाँ से उठा लेके वहाँ तक पहुँचा दो, तब देखो क्या होता है ना। तो हमने वही किया, अरे बस समझ में, तो हमें अपने आप मिल गया यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी एफ के जगह पे यू एफ, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, कितना मिला 70 जूल। ऐसे मत बोल देना कि एनपीटी पर एजम्पशन हमने मान के रखा है एक मास का इंट्रैक्शन नहीं हो सकता, हो सकता है यहाँ पर कुछ रहे, है ना। तो ठीक है, कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितना सिखाना था सिखा दिए, एक सवाल और है हम उस पर आज बता करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। और पहले देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, एक सवाल कह रहा है कि एक मास है यहाँ पर m मास है, यहाँ पर कोई 2m मास दिया हुआ है और यहाँ पर 3m मास दिया हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंसेस है यहाँ पर d है, d है और d है। ये एस सी वर्मा का शायद सवाल है, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना। क्या हुआ है कि इस मास को मैंने उठाया और उठा करके मैंने इसको यहाँ पर कुछ 2d डिस्टेंस पर मैंने यहाँ पर रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस मास को उठा करके यहाँ से यहाँ तक रखने में कुछ तो वर्क हुआ होगा। वर्क होने के बाद हुआ क्या कि ये पूछ रहा है कि कितना वर्क हुआ यहाँ से उठा करके यहाँ तक लेके जाने में कितना वर्क हुआ है, ठीक है। तो फाइंड वर्क डन टू प्लेसिंग एम मास फ्रॉम पोजिशन ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर करेंगे, क्यों फोर्स पता नहीं है, है ना। अगर हम वर्क निकालना चाहते हैं तो हमको पता है ना इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर होता है। अच्छा इनको ये नहीं पता है रे बाबा, तो बता ही दिए, यही होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, है ना। ये यूज़ करना है, हमें इलेवंथ में पढ़ रहे हैं, है ना, जल्दी से ट्वेल्थ में चले जाएंगे, थोड़े तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ अपने अंदर में लेके आओ। और आसान है, इससे आसान कुछ नहीं रे, है ना। वो कौन है, हम कैसे बोल रहे हैं आज, बाबू राव। चलो ठीक, तो वर्क के लिए मुझे डी आर चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स का यहाँ पर इक्वेशन चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, फोर्स का इक्वेशन मेरे पास नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बात समझ लेते हैं, मेरा इंक खत्म हो गया थोड़ा सा, टिक 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 टिक, हाँ अब ठीक। तो इस चीज़ के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए था यहाँ पर, जो मेरे पास इक्वेशन तो है नहीं, तो मैं ये यूज नहीं कर पाऊंगा। अरे वो सुनिए, तो हमको क्या चाहिए, वर्क निकालने का एक ही तरीका है, दूसरी तरीका है। वर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी तो है। अरे सुनिए, हमको ये यहाँ पर जब मास था तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और जब यहाँ पहुँचेगा तब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, दोनों घटा देंगे, आ जाएगा मेरा वर्क। क्या बात है, देखते हैं कैसे होता है ये, ठीक है ना। पिक्चर कॉपी कर लेना है थोड़ा। ये हो गया हमारे पास इनिशियल कंडीशन, बाद में क्या हो जाएगा, ये दोनों तो जहाँ था वहीं रह गया ना, थोड़ा यहीं बना देते हैं, ये दोनों यहाँ का यहीं रह गया है ना, 2m मास और 3m मास, ये वाला मास यहाँ पहुँच चुका है m मास, इनके बीच का डिस्टेंस d है और इनके बीच का डिस्टेंस 2d था, और पूछ रहा है यहाँ से तक लेके जाने में कितना वर्क हुआ, ये इनिशियल दिख रहा है ना, बाद में फाइनल हो गया ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या कैसे निकालेंगे, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो याद है ना, इंटरेक्शन एनर्जी इन दोनों के बीच का निकालना पड़ेगा, एम मास है यहाँ पर, फिर इन दोनों के बीच का और फिर इन दोनों के बीच का, तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे, माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए तो कॉमन आ जाएगा, बाय दिस डिस्टेंस है ना, 1 into 2 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस 2 into 3 6 हो जाएगा, और प्लस 3 into 1 3 हो जाएगा।
तो माइनस में 11 जी एम स्क्वायर बाय ए हो गया। तो यू एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में अगेन जी एम स्क्वायर बाय ए तो कॉमन आ जाएगा, इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन 6 हो जाएगा, प्लस में इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन 3 हो जाएगा, और प्लस में इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन 2/3 हो जाएगा। 3, अरे बाबा 2m × 3m, तो 2m स्क्वायर बाय डी करते तो डी तो बाहर टी लिखे है ना, क्या क्या लिख देते हैं आप सर, डी डिस्टेंस है तो डी डिस्टेंस आता है इस पर, इसमें भी डी डिस्टेंस बट इसमें 3d, इसमें 2d डिस्टेंस आएगा ना, बाय 2 हो जाएगा है ना, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 3d डिस्टेंस, इसलिए 3 आ गया, तो d कॉमन आ गया यहाँ से, तो कितना हो गया यहाँ से, माइनस में जी एम स्क्वायर बाय डी, और यहाँ पर हो गया 36 प्लस में 9 प्लस में 4 बाय 6, कितना हो गया बाबा 45 प्लस में 4 49 है ना, तो माइनस में 49 जी एम स्क्वायर बाय 6 डी, दैट्स योर यू एफ। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यू आई माइनस में यू एफ लिख सकते हैं, नेगेटिव और पोटेंशियल से घटाएंगे तो थोड़ा ऐसे ही हो जाएगा, यू आई कितना है हमारे पास, माइनस 11 जी एम स्क्वायर बाय डी प्लस 49 जी एम स्क्वायर बाय डी, यहाँ पर प्लस कैसे होगा, नेगेटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव, और यहाँ 6 था तो 66 हो जाएगा क्या यहाँ पर, है ना, तो साफ लिख देते हैं जी एम स्क्वायर बाय 6 डी, और यहाँ पर हो गया 49 माइनस में 66, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7 और 5 117 है ना, तो माइनस में जी एम स्क्वायर बाय 6 डी, दैट्स योर आंसर। इतना वर्क करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है तो आज हमने कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल जितने थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने सारे कर लिए, और भी बुक्स में होंगे, थोड़ा आप लोग भी मेहनत करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ में, कोई दिक्कत, मिलते हैं, बाय बाय।